अभी तक हम लोगों ने आपको काफी चीजें दिखा रखी हैं, जैसे हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ थोड़ी सी पुरानी वाली वीडियो की बात की जाए तो लगभग एक साल पहले मैंने आपको स्टारलिट की भी 140mm की भी मैकेनिकल डिस्क ब्रेक की अनबॉक्सिंग वीडियो कर दिखाई होगी, आप लोगों ने देखा होगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको वेनम की भी मैकेनिकल डिस्क ब्रेक की अनबॉक्सिंग कर दिखाई थी, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि सब में एक जो सबसे कॉमन चीज थी कि सारी की सारी डिस्क ब्रेक 160mm की थी, उससे बड़े साइज की नहीं थी। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए डिमांड पर मैंने लाया है 180mm की मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। आप कहेंगे तो 180mm की मैं हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक की अनबॉक्सिंग वीडियो लाऊंगा, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 180mm मैकेनिकल डिस्क ब्रेक कैसी होती है, उसकी पावर कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी, उसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट मिलता है। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, तो अलग से आपको स्पेयर पार्ट्स परचेज कर अपने लिए एक 180mm की मैकेनिकल डिस्क ब्रेक को इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल क्या, एक मिलाकर आपको एक किट बनाना पड़ता है, उसके बाद आपको अपनी साइकिल में इंस्टॉल करना होता है। तो इससे पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको कन्वर्ट कर दिखाया था 160 से डायरेक्ट 180 में, तो आज उसकी पूरी किट मेरे पास अवेलेबल है। साथ ही मैं आपको परचेजिंग लिंक भी दूंगा ताकि आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की साइकिल से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्क रोटर से। आप यहां पर देख सकते हैं रोटर रखी हुई है, वॉट्रेक्स कंपनी की है, यानी कि स्टारलिट की ही है। आप इसकी पैटर्न देख सकते हैं कितनी ज्यादा खूबसूरत है, और इस साइड से हम आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से ये दिखता है। डायरेक्ट माउंट वाली ये प्लेट होती है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। नॉर्मल जो आप 160mm की जो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक या फिर नॉर्मल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक की भी रोटर को देखते होंगे, उसकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी लगती है। अगर मैं इसके सामने आपको कंपेयर कर दिखाऊं, अगर बोलिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन की भी वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको 160 और 180mm की भी डिस्क ब्रेक की कंपैरिजन कर दिखाऊंगा। बाकी बात की जाए इस रोटर की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी परफॉर्मेंस भी मैंने अभी अपने साइकिल, जो मेरी इलेक्ट्रिक वाली साइकिल है, उसके अंदर मैंने इंस्टॉल कर रखी है, काफ़ी अच्छी है। उसकी भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक रिव्यू वाली वीडियो भी लाने वाला हूँ। इसमें आपको कुछ 6 वोल्ट्स मिलती हैं कुछ इस टाइप की, जो कि आपको डायरेक्ट माउंट वाले हब में लगाना होता है। तो देख सकते हैं रोटर की साइज़ कितनी ज़्यादा बड़ी है। जितनी ज़्यादा आपकी रोटर की साइज़ बड़ी होती है, ब्रेक की परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, अच्छी होती है। उसके बाद जो सेकंड सबसे ज़्यादा आपका डिपेंड करता है ब्रेक की परफॉर्मेंस पे, वो होता है आपका ब्रेक का कैलिपर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेक की जो कैलिपर है, इसकी साइज़ आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि कितनी ज़्यादा बड़ी साइज़ की यहाँ पर आपको कैलिपर दिख रही होगी। नॉर्मल वाली जो ब्रेक्स होती है उसमें आपको छोटी सी कैलिपर मिलती है, उतना ज़्यादा पावर नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में आप 180 लगा सकते हैं, रेयर में 160 के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम फ्रंट वाली की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो ये फ्रंट में इजीली लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रेक पैड भी इसमें लंबी एकदम दी गई है। फ्रंट वाले में आपको इस टाइप में अगर आपको दो टाइप की कैलिपर देखने को मिलेगी, एक ऐसी आती है, एक और आती है थोड़ी सी इसी साइज़ में होती है, बस उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, वर्क कुछ इस टाइप से करता है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है, हाई परफॉर्मेंस है। यही वाली कैलिपर मैंने भी इंस्टॉल कर रखी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं एडेप्टर है, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की होती है। इसमें बस डिफरेंस इतना होता है कि जो छोटी वाली आपकी डिस्क ब्रेक की मशीन होती है उसमें मैक्सिमम 160mm की एडेप्टर लगी हुई होती है, लेकिन इसमें फ्रंट की 180mm की एडेप्टर लगी हुई है, तो ईजिली इंस्टॉल हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद हम आपको बात करें तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट माउंट की हब मिल जाती है। इस वाली हब में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्लॉट्स दी जाती है ताकि हम अपनी डायरेक्ट माउंट वाली डिस्क प्लेट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा सकें। देख सकते हैं हम जैसे ही इसके ऊपर रखते हैं ये पूरी तरीके से ये आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बस आपको सिंपल सा ये वाली बोल्ट को लगाना है और आपका प्लेट इंस्टॉल हो जाएगा। इजी टू रिमूव है, आप इसे अच्छी तरीके से अपनी साइकिल में लगा सकते हैं। जब ज़रूरत नहीं हो आपको तो आप इसे हटा भी सकते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। ये वाली हब की बात की जाए तो हब में देख सकते हैं एक साइड में आपको क्विक रिलीज मिलता है ताकि आप अपने साइकिल में इंस्टॉल करने के बाद व्हील को इजीली बाहर की तरफ निकाल सके, आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फ्रंट वाली मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में आपको कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। अगर आप 180 में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक देखना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और ये सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक मैं नीचे सिंपल सा अपने एप्लीकेशन की डाउनलोड लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर डू इन मिनट्स लिखिएगा, आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी और डाउनलोड कर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं।
डायरेक्ट गूगल पे जाकर doinminutes.in लिखेगा तब भी हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप ऑर्डर इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।